नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सबसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोऽणजिनं वीरं अनंतवर्णानदंशनसहावं मोक्षामिनीयं सारं केवलीशुद्धकेवलीभणितं। मंगलाचरण में पहली गाथा में भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके और नियम सार कहने की प्रतिज्ञा की और साथ में ये भी बताया कि ये जो नियम सार परमागम है ये केवली और सुत केवली के द्वारा कहा गया है। ये बात कहने के बाद अब दूसरे नंबर की गाथा शुरू होती है आज, जिसमें विषय है कि ये जो अन्वयार्थ है ना, अन्वयार्थ के बाद जो टीका लिखी रहती है, तो पहली जो लाइन होती है इसमें नियम सार में ये है, तो गाथा में क्या विषय आएगा वो टीका में शुरुआत में आचार्य देव लिखते हैं। देखो यहाँ पे, यह मोक्ष मार्ग और उसके फल के स्वरूप निरूपण की सूचना, अर्थात उन दोनों के स्वरूप निरूपण की प्रस्तावना है। नियम सार में जैसा अपनी चर्चा हुई थी कि ये नियम सार में मार्ग और मार्ग फल की चर्चा आएगी, माने मार्ग यानी रत्नत्रय और रत्नत्रय के फल में प्राप्त मुक्ति, तो ये मार्ग और मार्ग फल की चर्चा यानी मोक्ष मार्ग और उसके फल की चर्चा पूरे नियम सार में आएगी, तो उनके स्वरूप निरूपण की सूचना अर्थात दोनों के स्वरूप के निरूपण की प्रस्तावना है। मैंने पहले आचार्य देव ये बात इसमें करते हैं कि इस नियम सार में हम क्या कहेंगे, तो देखो गाथा। मग्गो मग्ग फलम तिया दोविहं जिन शासने सम खादुं मग्गो मोख आहो तस् फलम होइनी बाणम रहे मार्ग का अरु मार्ग फल का कथन जिन शासन विषे हे मार्ग मोक्ष उपाय अरु निर्वाण उसका फल कहे। अब देखो इसमें क्या कहते हैं अन्वय अर्थ में, मार्ग और मार्ग फल, पहला मार्ग और उसके बाद मार्ग से प्राप्त होने वाला मार्ग फल, ऐसे दो प्रकार का जिन शासन में कथन किया गया है, यानी सारे जिन शासन में किस बात का कथन है, मार्ग और मार्ग फल का। कहीं समझ लो मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्र का निरूपण भी आया हो, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्र का निरूपण इसलिए आया कि ये मार्ग नहीं है और हम इसे मार्ग मान रहे हैं ना? मतलब अन्य भी निरूपण कोई आया हो जिनागम में तो भी वो मार्ग और मार्ग फल का प्रतिपादन करने के लिए ही है ना। मिथ्या दर्शन का ज्ञान क्यों कराया आचार्य देव ने, मिथ्या ज्ञान मिथ्या चैत्र का ज्ञान क्यों कराया कि ये मार्ग के प्रतिपक्षी हैं, ये मार्ग के लुटेरे परिणाम हैं, और जब तक तू इन मार्ग के लुटेरे परिणामों के साथ लगा रहेगा, समझ आ गया ना, तब तक तुझे मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो एक तरह से उनका भी निषेध रूप वर्णन आया, तो वो भी मार्ग के लिए आया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो दो बातों का निरूपण आया और उसमें कहा मार्ग क्या है, तो उन्होंने कहा कि मार्ग मोक्षोपाय है, मतलब मोक्ष के उपाय का नाम है मार्ग, है ना, और तस्य फलम मतलब उसका फल निर्वाणम भवती, निर्वाण है उसका फल है निर्वाण, मार्ग का फल निर्वाण है ना।
अब देखो इसमें एक बात समझो बहुत अच्छी, ये भी इसमें टीका में कहने वाले हैं, मार्ग और मार्ग फल जाति दोनों की एक होती है। क्योंकि अगर मार्ग का फल पूर्ण शुद्ध आत्मा की उपलब्धि है, या आत्मा की परिपूर्ण उपलब्धि का नाम मार्ग का फल है, तो मार्ग क्या होना चाहिए कि मार्ग उससे विरुद्ध परिणाम मार्ग नहीं होगा, यानी राग कभी मार्ग नहीं होगा। आ गया? क्यों? क्योंकि वो उससे विरुद्ध परिणाम है। हाँ ये तो है कि माने मार्ग का जो फल है वो पूर्ण शुद्धता की उपलब्धि है, तो मार्ग क्या होगा कि मार्ग होगा शुद्धता की अपूर्णता, क्योंकि अपूर्णता है तभी तो मार्ग है वो। अब अपूर्णता है तो उसके साथ में राग है, क्योंकि राग नहीं हो तो अपूर्णता क्यों कैसे होगी? फिर राग नहीं हो तो पूर्णता हो जाएगी, लेकिन वो अपूर्णता होने पर भी वो राग मार्ग नहीं है। जैसे अपन यहां से बंबई गए, अभी 900 किलोमीटर यहां से बंबई की दूरी है कोटा से, समझो, और अपन ने 200 किलोमीटर पार किए, ठीक है? तो जो 200 किलोमीटर पार किए वो तो है मार्ग, और 700 किलोमीटर बाकी है अभी, तो वो मार्ग है कि मार्ग का अवरोधक है? मतलब जब तक वो 700 किलोमीटर की दूरी हम तय नहीं करेंगे तब तक हम मार्ग पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब क्या कि जो अपूर्णता है ना, मतलब जितनी शुद्धता का अंश प्रकट हुआ कि उतने तो हम मार्ग में हैं, और उस शुद्धता के अंश की पूर्णता नहीं है, यानी अभी इतनी कमी है। तो जब तक उस कमी का स्वभाव के अवलंबन से अभाव नहीं होवे, है ना? अभी अपना लक्ष्य क्या रहता है, ट्रेन में बैठे हैं तब लक्ष्य क्या रहता है? बंबई पहुंचना है। कितना दूर है बंबई? तो बोलते 700 किलोमीटर। फिर थोड़ा आगे बढ़े, अभी कितना दूर है? अभी 400 किलोमीटर रह गया। अभी कितना दूर है? 300 किलोमीटर रह गया, है ना? तो किसके लक्ष्य से हम उस कमी को दूर करते? कि हमें वहां तक पहुंचना है। इसी तरह हमारा उद्देश्य क्या है? पूर्णता का लक्ष्य, और पूर्णता के लक्ष्य से किया गया प्रारंभ, वो वास्तविक प्रारंभ है। तो हमारा लक्ष्य है पूर्णता, और हमने पूर्णता के लक्ष्य से, मैंने पूर्ण शुद्धि मुझे प्राप्त करनी है, अवस्था में पूर्ण शुद्धता की उपलब्धि मेरा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को साधने का ध्येय स्वरूप साधन वो शुद्धात्मा, कि वो पहले से परिपूर्ण है, कि वो लक्ष्य किसके आश्रय से सधेगा? कि सधेगा शुद्धात्मा के आश्रय से। तो तीन चीजें हो गई, एक हो गया ध्येय, एक हो गया साध्य, एक हो गया साधन। ध्येय है पूर्ण शुद्धात्मा, त्रिकाल एक रूप रहने वाला शाश्वत कारण परमात्मा, जिसे परम पारनामिक भाव कहते हैं, जिसे भूतार्थ स्वभाव कहते हैं, जिसे ज्ञायिक भाव कहते हैं, जिसे सामान्य स्वभाव कहते हैं, जिसे नित्य एक रूप भाव कहते हैं, जिसे सदृश स्वभाव कहते हैं, जिस नाम से कहना हो, जिसे शुद्ध नहीं कहते, तो वो तो है ध्येय। ध्येय माने उसका अवलंबन लेना। और प्राप्त करने योग्य क्या है? कि प्राप्त करने योग्य है पूर्ण शुद्धि। अगर पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य ना हो और ध्येय रूप शुद्धात्मा का ध्येय नहीं होवे, तो पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य नहीं हो तो जीव अटके बिना रहेगा नहीं, और पूर्ण शुद्धात्मा ध्येय रूप नहीं होवे तो पूर्ण शुद्धि की उपलब्धि किसके आश्रय से करेगा? तो किसके आश्रय से करेगा? जिसके आश्रय से शुद्धता की उपलब्धि होगी उसको बोलते हैं ध्येय तत्व। जो पूर्ण शुद्धि है उसे बोलते हैं साध्य तत्व। और पूर्ण शुद्धि ध्येय का अवलंबन लेकर पूर्ण शुद्धि तक पहुंचने के बीच की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं साधन। अब साधन में, उसमें साधन वास्तव में कौन है? कि वास्तव में साधन है जो वितरागता प्रकट हुई, है ना? राग को अगर साधन कहा तो उपचार से कहा, सचमुच में वो बाधक है, ये कह रहे हैं यहां पे। अभी देखो बहुत अच्छी गाथा है, और इसकी बहुत अच्छी टीका आचार्य देव ने लिखी है, टीका मुनिराज ने लिखी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी
मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से, शास्त्र का माने तत्वार्थ सूत्र का ऐसा वचन है। ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है ना, पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सब है ना। तो यहां पे क्या पहला सूत्र वाक्य क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, माने ये मोक्ष का मार्ग है और ऐसा शास्त्र का वचन होने से। अब ध्यान से सुनना जरा, मार्ग तो शुद्ध रत्न त्रय है। वाह, पहले भी आई थी बात, मार्ग कैसा है कि मार्ग है वो तो शुद्ध रत्न त्रय है, विकार मार्ग नहीं है, उसके साथ होने पर भी वो मार्ग नहीं है। मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है। शुद्ध रत्नत्रय किसे कहते हैं? शुद्ध स्वभाव का अवलंबन करके प्रकट हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति, उसको बोलते हैं शुद्ध रत्नत्रय। क्यों? क्योंकि शुद्ध के अवलंबन से प्रकट हुई है। रत्नत्रय तीन परिणाम होने से रत्न के समान इन परिणाम, मान मूल्यवान परिणाम है मोक्ष, क्योंकि इनके फल में मोक्ष मिलने वाला है। सादी अनंत काल के लिए विकार से छूटने वाली दशा मिलने वाली है, अनंत काल तक अनंत आनंद की उपलब्धि होने वाली है। आ गया, तो वो मार्ग तो कैसा है? तो उन्होंने कहा कि मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है और मार्ग फल मुक्ति रूपी स्त्री के विशाल भाल प्रदेश में शोभा अलंकार रूप तिलक बना है। ये देखो आचार्य देव की अलंकारिक भाषा, टीकाकार मुनिराज की। अर्थात मार्ग फल मुक्ति रूपी स्त्री को वरण करना है, ये है मार्ग का फल। ये सामान्य बात हो गई, समझ में आएगी, ये तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अभी देखो, इस प्रकार मार्ग और मार्ग फल का, मतलब वास्तव में मार्ग और मार्ग फल ऐसा दो प्रकार का चतुर्थ ज्ञानधारी अर्थात मन पर्यय ज्ञान के धारण करने वाले पूर्वाचार्यों ने, माने गणधर परमात्मा ने, चार ज्ञान के धारी कौन होते हैं? गणधर परमात्मा होते हैं, है ना। तो उसमें मुख्य रूप से उनको लेने का, तो चार ज्ञान के धारण करने वाले पूर्वाचार्यों ने क्या कहा कि परम वीतराग सर्वज्ञ के शासन में कथन किया है। ये कथन कोई उन्होंने अपने अपनी कल्पना मति कल्पना से नहीं किया कि वे चार ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा वीतराग शासन में स्थित हैं, जिनेंद्र परमात्मा के शासन में हैं वे, और जिनेंद्र परमात्मा के शासन में उन्होंने ये कथन किया है कि मुक्ति और मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति क्या है और मुक्ति का मार्ग क्या है ना। तो ये उन्होंने कथन किया, ये परंपरा बताई। अब देखो बहुत अच्छी परिभाषा रत्नत्रय की, बहुत सुंदर परिभाषा। देखो क्या कहते हैं कि निज परमात्म तत्व के, भाई रत्नत्रय कहते किसे? आपने तो कह दिया रत्नत्रय वो है ये सब है, अभी रत्नत्रय कहना किसे, हम तो समझे नहीं। तो मुनिराज कहते हैं निज परमात्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान और अनुष्ठान रूप, निज परमात्म तत्व यानी पर परमात्मा के लक्ष्य से कभी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से एक भी होता है ऐसा नहीं है। सुनना जरा ध्यान से, बहुत गंभीरता है, ऐसा नहीं है बात यह कि अरे अपनी परमात्म पर्याय हो, ध्यान से सुनना जरा क्या कहा, अपनी परमात्मा पर्याय हो, दूसरे परमात्मा की बात तो छोड़ो, अपनी परमात्मा पर्याय हो, उस परमात्मा पर्याय के अवलंबन से भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की नई निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती। अपनी पर्याय है ना वो तो, और पूर्ण शुद्ध पर्याय दूसरे की भी नहीं है, अपनी पर्याय हो तो अपनी पर्याय के अवलंबन से भी, मतलब अभी अपने किसी को सम्यक दर्शन है तो वो सम्यक दर्शन का अवलंबन करे तो नया सम्यक दर्शन लेके आ जावे, ऐसा कभी नहीं होता। सम्यक ज्ञान का अवलंबन करके नई सम्यक ज्ञान की पर्याय लेके आ जावे, कभी नहीं होता।
सम्यक चारित्र की पर्याय हो और उसका अवलंबन करके सम्यक चारित्र की पर्याय लेकर के आ जावे, कभी नहीं होता। अरे अपनी परमात्म दशा की पर्याय हो और उस परमात्म दशा की पर्याय के अवलंबन से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय जब अपनी पर्याय भी नहीं है, अपनी पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय भी जब उसका विषय नहीं है, तब पर परमात्मा तो बहुत दूर रह गए। आगे समझ में आया कि नहीं, न्याय समझ में आया? तो अपनी निर्मल परिणतियां भी अगली निर्मल परिणतियों का कारण नहीं है, समझ में आ गया? तो पर परमात्मा अपने समय दशम ज्ञान चारित्र का कारण हो जाए, ये बात कहां से लाए? आ गया कि निज पर, इसीलिए कहा निज परमात्म तत्व। अभी क्या, अभी परमात्म तत्व भगवान आत्मा कैसा है कि वो तो परमात्म तत्व है, परम आत्म तत्व। इसको संधि विच्छेद करोगे तो परम आत्म तत्व माने उत्कृष्ट। परम का मतलब होता है उत्कृष्ट, कि जिससे उत्कृष्ट जगत में दूसरा कोई नहीं है। अरे सच तो ये कि मेरे लिए जगत में कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, एकमात्र मैं ही हूं। होंगे दूसरे तत्व उनके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। ऐसा जो उत्कृष्ट परम तत्व है, परमात्म तत्व है, उसका सम्यक सद्धान, उसका ज्ञान और उसमें अनुष्ठान रूप, फिर क्या कहा, शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से, अकेला निरपेक्ष शब्द नहीं डाला, परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है। कि ये जो शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग है, क्यों शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग की उपलब्धि के लिए दूसरे किसी का अवलंबन नहीं है। क्या कहा, दूसरे किसी का अवलंबन आवे, दूसरे का अवलंबन लेना पड़े तो फिर शुद्धता बची कहां? तो अपने परमात्म तत्व के अवलंबन से प्रकट हुआ, ऐसा ये शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग है। वो कैसा है तो उन्होंने कहा परम निरपेक्ष होने से। क्या मतलब कि इस मार्ग में अन्य परद्रव्यों की तो कोई अपेक्षा है ही नहीं, सम्यक दर्शन के लिए देव शास्त्र गुरु की कोई अपेक्षा है ही नहीं, सम्यक ज्ञान के लिए ज्ञान की कोई, मतलब शास्त्र ज्ञान की कोई अपेक्षा है ही नहीं, सम्यक चारित्र के लिए अनुव्रत महाव्रत आदि के राग की कोई अपेक्षा है ही नहीं, ऐसा परम निरपेक्ष मार्ग है ये कहना है यहां पे। समझ आ गया? हम क्या शुरुआत कहां से करते हैं, हम कि सम्यक दर्शन चाहिए तो देव शास्त्र गुरु से मिलेगा, सम्यक ज्ञान चाहिए शास्त्र पढ़ने से मिलेगा, सम्यक चारित्र चाहिए अनुव्रत महाव्रतों से मिलेगा, कि जिनमें हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अंश नहीं है। बोलो, हम उनसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहते हैं, अथवा उनकी आराधना करके अपने को सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी और सम्यक चारित्री मानते हैं। देव शास्त्र गुरु की आराधना करी हम तो सम्यक दृष्टि, शास्त्र स्वाध्याय किया हम तो सम्यक ज्ञानी, अनुव्रत महाव्रत धारण कर लिए हम तो सम्यक चारित्री। समझ में आ गया कि ये बिल्कुल नहीं है, सर्वथा नहीं है। परम निरपेक्ष शब्द का प्रयोग डाला है, अकेला निरपेक्ष शब्द नहीं लिखा है, क्या शब्द का प्रयोग कर डाला, परम निरपेक्ष माने सर्वथा अपेक्षा नहीं है, कथनचित नहीं। देखो ज्ञानी के ये होते हैं, सुनना ध्यान से, अभी ज्ञानी के ये परिणाम हो, लेकिन इन परिणामों की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग खड़ा है। ये परिणाम नहीं हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, कैसा नहीं है? अरे ये परिणाम नहीं होंगे तो निर्माण होगा, मोक्ष मार्ग की क्या बात कर रहे हो तुम? क्या कहा, ये परिणाम नहीं होंगे ना, कि ये परिणाम नहीं होंगे तो निर्माण हो जाएगा, तो ये मोक्ष मार्ग कैसे हुआ? जो मोक्ष, देखो ध्यान से सुनना, कि जो रागादि परिणाम, देवशास गुरु तो परद्रव्य, उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनके प्रति जो झुकाव का परिणाम आया, जिनवाणी के प्रति झुकाव का परिणाम आया, अनुव्रत महाव्रत आदि के प्रति का परिणाम आया, कहते हैं कि पर द्रव्य की ओर झुकने वाला परिणाम, पर द्रव्याश्रित परिणति सच में आत्मा को कलंक रूप है।
क्या है वो? कलंक रूप है। तो जो कलंक रूप है वो मार्ग रूप कैसे हो सकती है? मार्ग तो परम निरपेक्ष है, मार्ग तो इनकी कोई अपेक्षा रखता ही नहीं। और हम मोक्ष मार्ग की तुलना हम काय से करते हैं? हम मोक्ष मार्गियों की तुलना ही, मोक्ष मार्गियों का माप ही शरीर की क्रिया से करेंगे, शुभ भाव से करेंगे, है ना, बाहर की चेष्टाओं से करेंगे, अन्य 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 प्रकार से करेंगे। सच में मोक्ष मार्ग इनमें से किसी के आधार पर टिका नहीं है। मोक्ष मार्ग टिका है सम्यक परम तत्व जो है अपना, उस परम तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान और आचरण के अलावा उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। ऐसा निरपेक्ष मार्ग है। तीन तरह के कारणों की चर्चा की है पंडित टोडरमल जी ने। ऐसे कारण कि जिनके होने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता, ऐसे कारण कि जिनके होने पर मोक्ष होता है अथवा नहीं भी होता लेकिन जिनके हुए बिना मोक्ष नहीं होता, और तीसरा कारण कि जिनके होने पर मोक्ष होता ही है और जिनके नहीं हुए बिना सर्वथा नहीं होता। क्या कहा? अभी तीन कारण समझना कि ये जो व्रत उपवास आदि है ना, तो इनको उन्होंने ऐसा कारण लिखा कि इनके होने पर मोक्ष हो ऐसी कोई गारंटी नहीं, और इनके नहीं होने पर मोक्ष रुक जाए ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं। ऐसे बहुत से जीव हैं जिन्होंने मुनि दशा अंगीकार की और सीधा केवल ज्ञान ले लिया। एक मुनिपना, उनने कहा ऐसा कारण है कि जिसके होने पर मोक्ष हो अथवा नहीं हो बाहर का, लेकिन जिसके हुए बिना मोक्ष नहीं होगा, तो यह भी एक तरफा कारण हुआ, मतलब सर्वथा नहीं हुआ ना। और उन्होंने कहा कि रत्नत्रय एक ऐसा कारण है कि जिसके होने पर मोक्ष नियम से होता है और जिसके नहीं होने पर मोक्ष कदापि नहीं होता। बराबर समझ में आया कि नहीं? ये मोक्ष वहां प्रकाशक के नौवें अधिकार में गिना है। तीन प्रकार के कारणों की चर्चा की कि भाई साहब ऐसी ऐसी व्यवस्था है सब कर्मों की। आ गया तो एक है शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है। क्यों? क्योंकि यदि वो परम निरपेक्ष हो तो ही मोक्ष का उपाय हो सकता है। यदि उसे भी किसी की अपेक्षा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोक्ष मार्ग खुद किसी दूसरे से बंधा हो वो तुम्हें कैसे छुड़ा देगा? क्योंकि वो तो खुद दूसरे की अपेक्षा में पड़ा है, वो तो खुद दूसरे के बंधन में पड़ा है। तो जो खुद बंधन में पड़ा है, जो खुद परम निरपेक्ष नहीं है, वो मोक्ष का कारण कदापि हो सकता नहीं है। और इस तरह कहकर के आचार्य देव ने एक परम तत्व के अतिरिक्त और उसके सद्दान ज्ञान और अनुचरण के अनुष्ठान के अतिरिक्त जितनी जितनी भी अज्ञानी की मोक्ष मार्ग के संबंध में कल्पनाएं हैं कि ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा, उन सब का निषेध ये कहकर के कर दिया कि मोक्ष का उपाय तो परम निरपेक्ष होने से वो मोक्ष का उपाय है। और उस शुद्ध रत्न त्रय का फल क्या है? तो उन्होंने कहा स्वात्मोपलब्धि, अपने भगवान आत्मा की अपनी अवस्था में उपलब्धि। आत्मोपलब्धि माने कोई त्रिकाली भगवान आत्मा को नहीं प्राप्त करना है, त्रिकाली ध्रुव तो है और है, लेकिन अनादि काल से वर्तमान परिणमन में उस त्रिकाली स्वभाव के अस्तित्व का स्वीकार नहीं था, उस त्रिकाली अस्तित्व को स्वसन्मुख होकर के जानना नहीं हुआ था, और उस त्रिकाली अस्तित्व में स्वसन्मुख होकर के रमणता अर्थात तो लीनता नहीं हुई थी। अब ये काम होने से जैसा द्रव्य स्वभाव शक्ति में है, त्रिकाल रूप में है ना, कि वैसा पर्याय में परिणमित हुआ। तो पर्याय में परिणमित हुआ तो हमने बोला उसको उपलब्धि, स्वात्मोपलब्धि अर्थात पर्याय में उसकी प्राप्ति, इसको बोलते हैं स्वात्मोपलब्धि।
आ गया है ना। वो कहते हैं कि वो निज शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है, उसको कहते हैं निज शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। ये दूसरी नंबर की गाथा में आचार्य देव ने मार्ग मार्ग फल, अब देखो इसमें जरा फुटनोट देखो इसका बहुत अच्छा है नीचे का, शुद्ध रत्नत्रय अर्थात निज परमात्म तत्व की सम्यक श्रद्धा, उसका सम्यक ज्ञान और उसका सम्यक आचरण, पर की तथा भेदों की लेस भी अपेक्षा रहित होने से, ना तो उसे पर की कोई अपेक्षा है और ना तो उसे अपने ही भेदों की कोई अपेक्षा है, आ गया, होने से वह शुद्ध रत्नत्रय मोक्ष का उपाय है। उस शुद्ध रत्नत्रय का फल शुद्ध आत्मा की पूर्ण प्राप्ति अर्थात क्या है, अर्थात मोक्ष उसकी उसकी वो है प्राप्ति का उपाय। बहुत ही यानी देखो अभी हम क्या है, हम सापेक्षता से बात को शुरू करते हैं, हमारी गलती क्या होती है, ये साधन तो चाहिए ना, ऐसा तो करना पड़ेगा ना, ये तो होता है ना, इसके बिना तो नहीं होगा ना, है ना, हम तो वो कहते हैं ना सिर मुंडाते ही ओले पड़े, ऐसी हम लोगों की स्थिति है। हम शुरुआत ही कहां से करते हैं, हम शुरुआत ही करते हैं सापेक्षता से। अरे तुझे बंधन से छूटना है ना, तो तुझे संपूर्ण निरपेक्ष होना है ना, पूरे जगत से तुझे संपूर्ण रूप से निरपेक्ष होना है, तो संपूर्ण निरपेक्ष होने का मार्ग क्या होगा, संपूर्ण निरपेक्षता मार्ग नहीं होगा उसका, है ना। अब देखो ये थोड़ा कारण कार्य नियम निकालना है आपके पास हिंदी में निकालो, होगा इसमें, हाँ सास गुरुदेव के प्रवचन वाला कारण कार्य नियम है ना, थोड़ा ये जो परम निरपेक्ष वाला है उसको थोड़ा अपन देखते, मिला मिले तो देखो मिलेगा उसमें है, पेज नंबर 43 देखो मिल गया, कारण कार्य नियम, गुजराती भी होगा और हिंदी भी होगा तो हिंदी निकाल लेना, पहला 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 भाग और पेज नंबर आप निकालो उसमें 43। देखो यहां पे गुरुदेव ने इसका जो अर्थ किया है, क्योंकि गुरुदेव के बिना तो इन परमागमों का अर्थ कोई कर दे ये किसी की ताकत नहीं है, ये मेरी तो दृढ़ मान्यता है। अब देखो इसमें क्या अर्थ किया है इन्होंने, मिला, हाँ निकालो 43 पेज में निचला ही निचला का पैराग्राफ, अपन इसमें से कुछ मुख्य मुख्य अंश गुरुदेव के प्रवचन के देखते हैं। मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है, कहा आया मिला, लो ये आया, इसका अर्थ ही यह है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध रत्नत्रय की व्याख्या है। क्या इसका लोग अर्थ करते ना कि तो व्यवहार, भाई साहब व्यवहार नहीं है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध रत्नत्रय की व्याख्या है, अशुद्ध की है ही नहीं, मोक्ष मार्ग है तो वहां व्यवहार का मार्ग वह तो बंद मार्ग है, जिसको व्यवहार मार्ग कहा ना कि वो तो बंद मार्ग है, ता कारण जग पंथ इत ऐसा आता है ना समय सा नाटक में, ये तो बंद मार्ग है ये फिर एक उदयपुर वाले चांदमल जी थे एक ब्रह्मचारी, तो उनका उन्होंने कुछ याद किया था उन्होंने प्रसंग, वो तो खैर छोड़ो अभी देखते हैं अपन। आगे आगे का अगला पेज ले लो, यहां कहते हैं कि मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है, ये तीन जो शब्द कहे वे शुद्ध रत्नत्रय के कहे हैं, तीन शब्द माने मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा कहते हैं, इसका अर्थ किया है। फिर प्रश्न किया कि अरे ऐसे अर्थ किए हैं इसलिए तो हमें स्वीकार नहीं, ऐसा कितने ही कहते हैं कि परंतु अर्थ किए सच्चे महामुनि हैं,
बहुत से लोग क्या कहते थे कि पद्म प्रमलधारी देव ने ऐसे अर्थ किए हैं, मैंने व्यवहार की बात नहीं करी तो क्या, इसलिए हमको उनका अर्थ स्वीकार नहीं, ऐसा मुमुक्षु ने प्रश्न किया। तो गुरुदेव उसका उत्तर दे रहे हैं कि परंतु अर्थ किए हैं, सच्चे महामुनि हैं, पंच महाव्रत धारी हैं, तेरी दृष्टि प्रमाण कहे वे सच्चे और तेरी दृष्टि से विरुद्ध कहे वो झूठे। वारे वाह, जो तेरे अनुसार बोले वो सच्चा और तेरी दृष्टि से उल्टा बोले, तूने तुझे व्यवहार को सिद्ध करना है मोक्ष मार्ग और वो व्यवहार का निषेध करे तो वो अर्थ करने वाले झूठे। इस टीका को रतन चंद जी नहीं मानते। कौन? रतन चंद जी मुक्तार। हाँ, ये गुरु नाम भी लिया गुरुदेव ने तो। हाँ, अरे भगवान क्या करता है तू, कहां जाना है भाई तुझे? यहां कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है वह तो शुद्ध रत्न त्रय की व्याख्या मैंने कही, ऐसा कहते हैं। आ गया? अब आगे देखो, ये आ गया देखो, इसके बाद मैं पेज बोलता जाऊंगा, वो निकालते जाना। इसके बाद का आगे का पेज नंबर, परम निरपेक्ष वाले का अर्थ अपने को थोड़ा देखने का है, बहुत अच्छा अर्थ इसमें आया। देखो यहां से लो, ये पेज नंबर निकालो आप, पेज नंबर निकालिए 47, नीचे नीचे से। निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, भाषा तो देखो, अरिहंत परमात्मा की श्रद्धा भी नहीं। अभी कहा था ना, चर्चा करी थी ना अपन ने, कि देव शास्त्र गुरु भी नहीं लेना है यहां पे। क्यों नहीं लेना? क्योंकि परद्रव्य है, ठीक है? तो अरिहंत परमात्मा की श्रद्धा भी नहीं, माने श्रद्धा भी नहीं का मतलब क्या है यहां पे? कि वो शुद्ध रत्नत्रय नहीं है, शुद्ध सम्यक दर्शन अरिहंत परमात्मा की श्रद्धा का नाम नहीं है। शुद्ध सम्यक दर्शन नाम है परमात्म तत्व की श्रद्धा का, बराबर। निज परमात्म तत्व, अपना परम स्वरूप, शुद्ध ध्रुव, अचिंत्य, अचल, अविनाशी, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा परमा, ऐसा परम तत्व स्वभाव का सम्यक श्रद्धान, उसकी सच्ची श्रद्धा वह शुद्ध रत्नत्रय में से एक सम्यक दर्शन है। आया? देखो आगे फिर क्या लिया आगे का पेरा, कि निज परमात्म तत्व का ज्ञान उसके साथ लेना, निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान उसके साथ निज परमात्म तत्व का सम्यक ज्ञान ऐसा लेना। क्या मतलब? वो आया था ना, निज परम तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान। तो ये निज परम तत्व का ये शब्द आपको तीनों के साथ लगाने, निज परम तत्व का सम्यक श्रद्धान, निज परम तत्व का सम्यक ज्ञान, निज परम तत्व का सम्यक अनुष्ठान, के ये सब में लेना है, है ना। अब देखो इसमें कहा, देव गुरु शास्त्र का ज्ञान वह ज्ञान नहीं। क्या मतलब? कि सब उड़ा दिया है तो फिर सब निपटा दिया पूरा हमारा, तो अब तक हमने किया सब पानी में गया, कि पानी में जाएगा तो ही तुम तिरोगे। क्यों? कि यहां क्या चर्चा चल रही है कि मोक्ष मार्ग रूप जो जिसको यहां पर सम्यक ज्ञान कह रहे हैं, मोक्ष के मार्ग का सम्यक ज्ञान जो बोल रहे हैं हम, जिसको हम परम निरपेक्ष मार्ग कह रहे हैं, कि वो सम्यक ज्ञान ना तो शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र के ज्ञान का नाम है, और ना देव शास्त्र गुरु के ज्ञान का नाम ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। तो किसका नाम सम्यक ज्ञान है? निज परम तत्व के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। अब जब देव सास गुरु का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं, माने वो भी पारमा वास्तविक मोक्ष का मार्ग नहीं, तो बाकी के दूसरे लौकिक ज्ञान की, है ना, डॉक्टर का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, व्यापार का ज्ञान, है ना, ये सबका ज्ञान, इनकी बात तो बहुत दूर रह गई। गजब बात है। देव गुरु शास्त्र को जाना पहचाना वह ज्ञान नहीं। कहते हैं यह वह तो परलक्षी है, वह तो बंध का कारण है। अब जो बंध का कारण हो मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है?
कि परलक्षी ज्ञान तो बंद का कारण है। देवसास, हाँ देवसास गुरु, एक ने कहा, एक ने प्रश्न किया गुरुदेव से कि साहब देवसास गुरु तो शुद्ध हैं, वे भी पर हैं, वो तो शुद्ध है ना, कि शुद्ध हैं उससे क्या हुआ, शुद्ध हैं तो भी पर। गुरुदेव ने कहा हजार बार पर, एक बार नहीं, कितनी बार, हजार बार पर। क्यों? क्योंकि उनके अस्तित्व में तेरा अस्तित्व नहीं और तेरे अस्तित्व में उनका अस्तित्व नहीं। क्यों? क्योंकि वे देव पूर्णता को प्राप्त हो गए और तू निगोस से भी नहीं निकला हो, यह हो सकता है ना, और तू मोक्ष चला जाए और बहुत से जीव ऐसे हैं जो भगवान होने वाले हैं अभी निगोद में पड़े हों, क्या है उसमें, सबका स्वच्छ तुष्ट भिन्न भिन्न है, तो वो तो बंदे का कारण है। भारी गजब बात, वीतराग का मार्ग, निज परम तत्व का सम्यक ज्ञान, अपना निज परमा स्वरूप भगवान, पूर्ण ब्रह्मानंद निज प्रभु आत्मा का ज्ञान, उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। और आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। आ गया, अब आगे देखो, अब इसके बाद फिर आगे आया, अब इसके बाद अगला पैरा है जिसमें तीन चार लाइनें छोड़ो, उसके बाद लिखा उसकी रुचि अंतर ज्ञान, उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। उसके बाद देखो, निज परम तत्व के सम्यक अनुष्ठान उसके साथ लेना, माने निज परमात्मा आनंद और ज्ञान स्वरूप प्रभु आत्मा का अनुष्ठान, सम्यक अनुष्ठान, वापस प्रत्येक को, माने सब में सम्यक शब्द लगाना, सम्यक अनुष्ठान, अंतर में, आचरण में, आनंद में स्थिर होना, आ गया, उसका नाम चारित्र है। यह वस्त्र बदले और नग्न हो गए, कहते वह चारित्र नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये तो जड़ की क्रिया है, इसमें आत्मा का क्या है, आत्मा न वस्त्र ग्रहण करता है और न आत्मा वस्त्र को छोड़ता है, तो जो काम आत्मा करता ही नहीं और जो काम आत्मा ने किया ही नहीं उसको चारित्र कैसे कहोगे तुम, नहीं आया समझ नरेंद्र जी, है कि नहीं, आत्मा वस्त्र छोड़ता है कि ग्रहण करता है, कि जिसने ये माना कि मैंने वस्त्र ग्रहण किए और जिसने ये माना कि मैंने वस्त्र छोड़े, पक्का मिथ्या दृष्टि है। ऐसा होने पर भी मुनि दशा में वस्त्र सहित मुनिपना हो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन जिनको मुनिपना होता है वो ये नहीं मानते कि हम वस्त्र का त्याग करते हैं, क्योंकि वस्त्र का त्याग जड़ की क्रिया है, आत्मा तीन काल में नहीं कर सकता उसे, वस्त्र का त्याग करने के लिए आत्मा को वस्त्र बनना पड़ेगा, ख्याल में आएगा नहीं, अब ये बातें हैं। हाँ, पंच महाव्रत के विकल्प हो, वस्त्र के बाद आगे आओ, पंच महाव्रत के विकल्प के वो आश्रव है, देखो ध्यान से सुनो, चारित्र किसका नाम है, मोक्ष का मार्ग है ना, तो मोक्ष का मार्ग संवर निद्रा रूप है, संवर निद्रा वो मोक्ष का कारण है, इसका मतलब क्या हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संवर और निर्द्रा तत्व है, बराबर, अभी ऐसे लो इसको, संवर और निर्द्रा तत्व, अच्छा ठीक, वस्त्र का त्याग, तो पहले नक्की करो शरीर कौन सा तत्व है, अजीव तत्व, और शरीर पर वस्त्र का नहीं होना ये कौन सा तत्व हुआ, कौन सा तत्व है, अजीव तत्व, सीधी सी बात है, उसमें क्या सोचना ज्यादा, अच्छा अभी पंच महाव्रत आदि के विकल्प आए, ये कौन सा तत्व है, आश्रय तत्व है, बंध तत्व है, तो आश्रय और बंध तत्व में चारित्र कहां से आया, क्या कहा, आश्रय और बंध तत्व में चारित्र कहां से आया, चारित्र तो स्वरूप की रमणता की, अंतर्मग्नता की, आनंदमय दशा का नाम है, और राग है भले ही पंचम आवर्त का हो, मुनिराज कहते हैं कि हमें आकुलता की भट्टी लगता है, जिसे आकुलता की भट्टी नहीं लगे वो समय दृष्टि भी नहीं, मुनि तो कहां से होगा, ख्याल में आता है कि नहीं, आश्रय आश्रय दुकार घनेरे, पढ़ते ही नहीं पढ़ते चढ़ाला में, बोलो आश्रय दुकार घनेरे, ये शब्द का प्रयोग किया, तो दुख रूप है कि नहीं, नक्की करो पहले कि दुख रूप है, जिसने राग को दुख रूप माना, जिसने राग को सुलगता हुआ अंगारा माना, उसके राग को व्यवहार कहते हैं, क्या कहा, किसके राग को व्यवहार, वो व्यवहार से उसका व्यवहार कहने में आएगा, उसको धर्म माने तो मिथ्यात्व है,
क्या कहा? किसको? महावीर जी किसको कहा? कौन से राग को व्यवहार कहा? कि जिस राग में ज्ञानी को वो राग अंगारा लगता हो, समझ आ गया, जमशेदपुर की भट्टी लगती हो, उस राग को व्यवहार, तब उस राग पर व्यवहार का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा आनंद मूर्ति शांत मूर्ति का अनुभव हुए बिना राग कभी आग की भट्टी लग नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, पंचासी काय में लिखा है आचार्य देव ने, अंगारों में सिकते हैं, ये शब्द का प्रयोग किया है, मेरे घर की बात नहीं है, है ना। अरे साहब कोई वो अब जब ये बात आती ना, अरे साहब हमने तो सुनी नहीं, तो मैंने कहा हमने तो पढ़ी नहीं, तो मैंने कहा तुमने पढ़ा कितना है? लोग बोलते ना हमने तो पढ़ा नहीं आज तक, मैंने कहा तुमने पढ़ा कितना, ये बताना, अच्छा बताओ कितना पढ़ लिया अपन ने, क्या पढ़ा, अच्छा बताओ क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कितना सुना, हमने तो सुना ही नहीं, नहीं सुना तो तुम्हारी गलती है ना, हमारी गलती है क्या? वो लोग भड़क जाएंगे, लोग छोड़ देंगे। मैंने कहा जो पुण्य छोड़ देगा उसकी हम पूजा करेंगे, छोड़ के तो दिखाओ, धमकी किसे देते हो? नहीं आए समझ में? हैं? क्यों? क्योंकि हम पुण्य छोड़ने वालों की पूजा करते हैं। भगवान ने पाप तो ग्रस्त दशा मुनि दशा में ही छोड़ दिया था, भगवान बने तब तो पुण्य छोड़ा था उनने, तो पुण्य छोड़ेगा उसकी तो हम पूजा करेंगे, कर छोड़ो तो सही, धमकी देते खाली हम छोड़ देंगे। छूटा हुआ है तुम्हारा, कौन सा छूटा है? नहीं छूटा है। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप क्या है ये नक्की करना पड़ेगा, छूटना नहीं छूटना वो सब तो अलग विषय है, स्वरूप क्या है पहले ये नक्की करो ज्ञान में। हाँ शास्त्र में तो है ना, ये देखो पंच महाव्रत का विकल्प हो वह भी चारित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चारित्र संवर निर्जरा रूप होता है, चारित्र कभी भी आश्रव बंद रूप नहीं होता, और जो आश्रव बंद रूप होता है वो मलिनता होती है, निर्मलता नहीं होती। इसलिए पंडित जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, महामंद चारित्र मोह के महामंद स्पर्धकों के उदय से जो महामंद प्रशस्त राग होता है चारित्र का मल है, ये शब्द का प्रयोग किया है। उसे है? हाँ मल का, उसे छूटता न जानकर, नहीं छूटे, नहीं छूटता जाने तो रहे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रहे उसको जैसा है वैसा तो मानो, मल को मल तो मानो, ऐसा समझ में आया। हाँ देखो फिर कहते भाई तेरे घर की चीज तो यह है, इसे पहले समझ में तो लेना पड़ेगा, इसके बिना जरा भी आगे नहीं चलेगा, समझ पहले होनी पड़ेगी। देखो पहले राग छूट जाएगा, पहले ये हो जाए, कुछ नहीं होगा, पहले समझ पक्की होगी। आ गया, श्रद्धा में ऐसा ले कि मुझसे ही मेरी श्रद्धा होगी और मुझसे ही मेरा ज्ञान होगा, ऐसी श्रद्धा नहीं करे तो स्व सन्मुख नहीं झुक सकेगा। बहुत गजब है, गजब, क्योंकि वस्तु का स्वभाव वह माने वैसा विपरीत नहीं है, अज्ञानी मानता है ना ऐसा विपरीत नहीं है, समझ में आ गया। ये बहुत आगे है, आगे इसमें बहुत अच्छा लिया। फिर देखो अब ये जो अपना चारा था शुद्ध, इसके नीचे पेरा शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से, कैसे परम निरपेक्ष? अभी परम निरपेक्ष का गुरुदेव ने बहुत अच्छा अर्थ किया, देखो व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा वस्तु के स्वरूप में नहीं है, व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा नहीं है, व्यवहार शुभोपयोग है नहीं है ऐसा नहीं है, है ज्ञानी को भी है, राग है विभाव है, उससे शुद्ध उपयोग और आत्म स्वभाव होवे ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। नक्की तो करो भैया, है आहा हा, कषाय की मंदता करो, भक्ति करो, दया दान व्रत पूजा करो, उससे व्यवहार से बाद में निश्चय समझ में आएगा, चलो होगा तो नहीं लेकिन समझ में आएगा, ये करेंगे तो समझ में आएगा निश्चय। कहते ऐसा नहीं, कहते हैं कि यह वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं, अरे व्यवहार से निश्चय होगा तो नहीं
लेकिन वास्तव में तो व्यवहार से निश्चय समझ में आएगा ऐसा भी नहीं। सच में तो स्वभाव के आश्रय से जिसे निश्चय प्रकट होगा उसके राग को व्यवहार कहा जाएगा। ख्याल में आया बात? उसके शुभ राग को, अशुभ राग को नहीं, उसके शुभ राग को व्यवहार कहा जाएगा जिसको स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान आचरण हुआ। राग से निश्चय होगा ऐसा नहीं, लेकिन जिसको निश्चय होगा उसकी भूमिका में वर्तने वाले राग को व्यवहार कहा जाएगा। उससे होगा ऐसा तीन काल में नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध का कारण कभी भी अशुद्ध नहीं होता, है ना। दोनों में दिशा फेर है। शुद्धता, शुद्ध परिणमन की दिशा स्व सन्मुख होती है और अशुद्ध परिणमन की दिशा पर सन्मुख होती है। भले कोई सा भी अशुभ शुभ भाव हो, अशुभ भाव शुभ भाव कोई सा भी भाव हो, उस भाव की दिशा नियम से पर सन्मुख है। स्व सन्मुख होकर के राग की उत्पत्ति नहीं हो सकती और पर सन्मुख होकर के कभी भी वितरागता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी स्व सन्मुख हुआ ज्ञानी, लेकिन अभी स्व सन्मुखता में कमी है तो पर सन्मुख उपयोग चला जाता है। तो पर सन्मुख उपयोग चला जाता है तो चूंकि खुद को पूर्ण होना है ना, स्वयं को पूर्ण होना है, तो जो पूर्ण हुए उनके प्रति उपयोग जाएगा तो भगवान की भक्ति का परिणाम आएगा। जो पूर्ण हुए उनके प्रति उपयोग जाएगा तो जो पूर्णता के मार्ग में चल रहे हैं उनके प्रति भाव आएगा, तो गुरुओं के प्रति भक्ति का भाव आएगा। पूर्णता का उपाय बताने वाली जिनवाणी के प्रति राग आएगा तो जिनवाणी का स्वाध्याय वगैरह का परिणाम आएगा। ये होगा, होने पर भी ज्ञानी को इसमें रंच मात्र उपादेय बुद्धि नहीं, और जिसे इनमें रंच मात्र उपादेय बुद्धि हो वो ज्ञानी नहीं। स्वरूप क्या है? लोग कहते छुड़ा रहे सब। अरे छुड़ा कहां रहे, सही समझ करा रहे हैं। छुड़ावे तो उसके जिसके पास होवे। क्या कहा? हे व्यवहार को छुड़ा देते, व्यवहार का उड़ा देते। व्यवहार हो तो सही तुम्हारे पास, व्यवहार होवे तब तो छुड़ावे। क्या कहा? नहीं है सुन, व्यवहार है, ज्ञानी के पास व्यवहार है। इसलिए आचार्य भगवान ज्ञानी को कहते हैं कि तू शुद्ध ज्ञान घन महिमा में स्थिति करके केवल ज्ञान को नहीं प्रकट करता, क्यों व्यवहार के चक्कर में पड़ा है? ये ज्ञानी को कहते हैं। अज्ञानी के पास तो है ही नहीं, उसका क्या छुड़ा है? उसका तो छूटा हुआ ही है, उसका तो निश्चय भी छूटा हुआ और व्यवहार भी छूटा हुआ, कुछ नहीं है। क्या करें अभी? स्वरूप ऐसा है भाई। हाँ, बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। चलो आगे इसकी ओर चर्चा लेंगे।